ये खास तौर पर छोटे बच्चों की अब मैं बात करूंगा कि जो 7 साल से छोटे हैं, 8 साल से छोटे हैं, यानी 1 साल से लेके 8 साल के बच्चों में जब कभी ऐसा कोई मसला नजर आता है तो उसकी आम तौर पर क्या वजह होती है? उसमें जो ज्यादातर बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि बच्चों की बाज़ोकात कोई फिजिकल नीड जो है वो पूरी नहीं हुई, उसकी नींद पूरी नहीं हो सकी है। और आप देखते हैं कि बच्चे बाज़ोकात बहुत चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं या बहुत एक बहुत ज्यादा वो जिसे वो बहुत डिस्टर्ब खुद भी हुए हुए होते हैं और बहुत ज्यादा अपने मिजाज से आपको भी परेशान कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिए कि क्या इसकी नींद पूरी हुई है या इसकी इसको भूख तो नहीं लगी, इसको फीड कराने का टाइम हो गया है, या ये इसको जो है वो कोई और, अब जैसे बड़े बच्चे हैं उनको खाना नहीं खाया है उन्होंने, तो आप देखेंगे कि अगर खाना नहीं खा सके हैं और वो भूख लग रही है तो वो उस वक्त थोड़ा सा उनका, चूंकि वो अभी अपने ऊपर कंट्रोल पूरी तरह उन्होंने नहीं सीखा है, तो बच्चों के लिए अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा सा ये आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। वो बहुत जहीन होते हैं लेकिन अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है और कल्चरली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कैसे देना है, ये चीजें वो अपने आसपास अपने माहौल से सीखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ये हासिल करते हैं। तो ये देखना है कि उसको भूख या नींद या फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात उसकी उसके अंदर बहुत एनर्जी उसके अंदर होती है और बहुत एनर्जेटिक होता है बच्चा, लेकिन उसको खेलने का मौका नहीं मिल रहा और उसकी जो सरप्लस एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही, तो अब इसकी वजह से भी वो ज़रा रेस्टलेस है और थोड़ा सा उसकी वजह से भी आप बाज़ औक़ात डिस्टर्ब हो सकते हैं उसकी बाज़ हरकतों से। तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी उसकी ये चीज़ें पूरी हैं, फिजिकल नीड्स जिसमें हम नींद पूरी हुई है और खाना वाना खाया हुआ है और कुछ उसको फिजिकली उसने कुछ ऐसी स्पोर्ट्स या कोई फिजिकल एक्टिविटी उसकी हुई है जिससे वो ज़रा उसकी कैलोरी बर्न हो, कुछ कुछ उसको पसीना उसका निकले और ज़रा सा वो उसको मौका मिले, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि बाज़ औक़ात ये पूरा नहीं होता और इसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है और फिर डिस्टर्ब करता भी है।